हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हमारे सभी धाकड़ भाई। तो भाई ये अंड का वाल बोल रहा है कि मेरे सामने ही बोल के दिखा। ये अंड का वाल अभी नया नया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा गर्मी है। तो इसके बाद इसके मैनेजर ने कॉल लिया। मैनेजर ने ट्राई किया प्यार से कि पेमेंट निकल जाए, लेकिन नहीं निकली। और बाकी आगे जो भी बात हुई है आप लोग सुनिए। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात हो रही है। आने वाले में हेलो। हाँ बात कर रहे हैं सर। हाँ जी सर, इंटरजेंट से बात कर रहे हैं सर। आपको पेमेंट के लिए कॉल किया था मैंने। पेमेंट नहीं करवाई सर आपने। आर डी में डाल दो भाई सर, उसकी बात कर। आज 11 तारीख है ना। 11 तारीख है सर। मैं आपसे नहीं पूछ रहा बड़े भाई। सर क्या पूरा पे करेंगे आप, कैसे करेंगे? आरडीपी डाल दो। आरडीपी आरडीपी क्या करूँ? RDP डाल दे। डिफॉल्ट करना है ना हमको। ओ क्या दिक्कत होगी सर, RDP की डाल दी। इंटेंशनली डिफॉल्ट करना है। मैं समझे नहीं सर, RDP आप क्या बोल रहे हो? RDP डाल दी, रिफ्यूज टू पे। हाँ तो ऐसा क्यों? इंटेंशनली डिफॉल्ट करना है भाई साहब, तीसरी बार बोल रहे हो ये बात। डिफॉल्ट भी करना है भाई, क्या इंटेंशनली डिफॉल्ट करना है कि जिसको चार बार क्यों पूछ रहे भाई? मेरे को काम कर दिया, पता बता दे, ये सामने बोल दे मेरे को ये बात। क्या कहना है? मेरे को सामने बोल दे इतनी सी बात। नहीं वो जो एजेंसी के दल्ले होते हैं उनके सामने बोलता नहीं होता, क्योंकि वो पिट जाते हैं ना मेरे हाथों से। बोल रहा बात। हेलो। हाँ सोनू जी, क्या हाल है? मैं कह रहा था कि तुमने एजेंसी का दल्ला पाल रखा, तुम भी शायद एजेंसी का हाल है। बढ़िया हाल है सोनू जी, कहाँ कल काम कर रहे हो आजकल? आजकल काम का कर रहे हैं यार, वो थोड़ा सा काम ऐसा है, रिकवरी एजेंट के मारने का काम है मेरा। किसका? रिकवरी एजेंट जो होते उनके मारने का काम चालू कर दिया। विजिट मारने का? विजिट नहीं, मारने का, उनकी डायरेक्ट मारने का। हाँ उनको मारने का काम शुरू कर दिया है। आजकल वसूली ले रहे हैं ना रिकवरी एजेंट के लिए सुपारी। अरे ऐसे मत बोलो, आप तो बड़े सज्जन आदमी हो। ये जो भाई तुम्हारा, जो नाम क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते। नाम भाई साहब, नाम पूछ रहा हूँ। नाम मेरा? हाँ दिनेश वशिष्ठ। क्या? दिनेश वशिष्ठ था जी मेरा। दिनेश वशिष्ठ। तो दिनेश भाई, ये जो तुम्हारा जो भी भाई कॉलर था अभी, ये भाई कह रहा मेरे मुंह पे ये बात बोल दे। अरे कोई बात नहीं, माफी हम मांग लेते उसकी तरफ से। अरे भाई यार पता है क्या, देखो दिक्कत ये है, मैं मानता हूँ एजेंसी में बदतमीजी होती है, बल्कि आपने तो कुछ नहीं, मैंने खुद बदतमीजी करी है कस्टमर के साथ। कौन सी बैंक काम कर रहे हो ये बताओ? आज तो काम नहीं कर रहा यार, अभी तो किसी बैंक में नहीं, पहले एजेंसी में काम कर रहा है। अच्छा कौन सी में? पहले KKB एसोसिएट में गया था। कौन सी में? KKB एसोसिएट। अच्छा हाँ, कसम से जो मजे लेता था ना मैं कस्टमर के बहुत ज्यादा, लेकिन ये भाई जो हमारे बोल रहे हैं यार, सामने वाला बंदा बातों से पहचान जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। ये भाई यार अनट्रेंड है, अभी ट्रेंड करो भाई को। सही बात है, मक्खन तो भी काम आएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कम से कम दोस्त रहे, कम से कम में कितने में कर दोगे? 18,400। कोई नहीं, बाकी मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे। बाकी देखो वो चिट्ठी वाली है कि वो 25,000 जो बात है क्लियर है, कल से हमें क्लोज खत्म कर। कौन से बैंक से बोल रहे थे? हाँ जी कौन से बैंक से बोल रहे थे आप? कौन सी बैंक से? SBI का आउटस्टैंडिंग कितनी? हाँ जी आउटस्टैंडिंग कितनी? कितनी है? हाँ कोई 2,324 रुपए की है। 2,324 रुपए के आसपास आउटस्टैंडिंग। हाँ जी आउटस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ बड़े भाई, आउटस्टैंडिंग। अच्छा वो आउटस्टैंडिंग होल्ड करो, ये 52,000 रुपए के आसपास। 52,000 यार मेरे अकॉर्डिंग अभी बकेट क्या चल रहा है अपना? बकेट नहीं है, रिकवरी है। अच्छा रिकवरी है, राइट ऑफ हो गया नहीं, तभी तो इतने मजे लिए जा रहे हैं अब तो। खैर मेरे हिसाब से देखो, इतना फैली आया तो हम कम से कम 15% की डिमांड करेंगे भाई, 7,800 की।
यार इतना नहीं है भाई, ठीक है ना, ये तो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको। अच्छा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बताओ ना सर। आउटस्टैंडिंग है लाख रुपए के आसपास। लाख रुपए पक्का? ऐसा हो गया 80-90 हजार हो गया, 80-90 हजार के बाद एक तरीके से चलो 80 हजार मान लेते हैं आपके कहने का, तो 12 हजार का मतलब हो जाना चाहिए मेरा काम 15%। 12 में क्या करूँ आपके लिए, सुनो 18,400 में आपकी 5 मिनट की स्वयं ना दूंगा। नहीं OTS 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 करा दूंगा 18,500 5 इंस्टॉलमेंट। OTS कराना है? OTS कराना है कितना ही OTS? अरे नहीं देख लो दिनेश भाई क्या बोलो, बस कट रही है आपकी यार। मैं कह रहा हूँ OTS कराना है हमको। OTS OTS क्या होता है? वन टाइम सेटल। अच्छा ये अमाउंट यही रहेगा? लेकिन अमाउंट भाई ये तो एक तरीके से अमाउंट यही रहेगा। दिनेश भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इतनी गाली गलौज सुन ली राइट ऑफ आ गया तो भाई मैं अपने अकॉर्डिंग में 15% से 20% होता है SBI का, मैं 15 मांग रहा हूँ। कभी कभी ना हिंदी बात सुनो भाई, सुनो भाई कभी कभी ना सामने वाले की इज्जत करके अपनी इंडस्ट्री में आती है, उसकी इज्जत करके खत्म कर जाती है। मेरे को नहीं चाहिए पूरा पैसा, पूरा आराम से कराओ आप 3,280 रुपए आप अपने इंडस्ट्री के अपनी लाइन के बंदे हो, यहाँ पे प्यार से बात हो रही है वरना मेरी बहुत अपने आप जैसे बंदे से मतलब बहुत बात हुई है अपने भाइयों से, जो भी अपने लाइन के मैनेजर हो गया TL हो गया बड़े भाई। सुन भाई मेरे को हो गए 14-15 साल काम करते हुए। स्टार्टिंग में सबको पता है कि सबको काम करना पड़ता है बैंक से, पहले पता है आपको लटके तो पहले नीचे से खाने पड़ते हैं ना, तभी ऊपर पहुंचते हैं आदमी। हाँ वो तो है, ठीक है जी। तो मैंने तो यार अपनी लाइफ में फील भी करी है भाई, मैंने तो रिकवरी भी करी है। जो घर के बाहर खड़े होते थे ना कि 8 बज गए अभी नहीं आया, 9 बज गए आ गया वो वाला टाइम भी था। अरे यार इतने टाइम तक करी है क्या? वो वाली रिकवरी मैंने भी करी है, बड़ा मजा आता था उसमें भी। हाँ मजा आता था उसमें, एक मजा आ रहा था, पानी चल रही है बस घर के बाहर खड़े हुए आएगा आते साथ पकड़ लिया उसे छोड़ो। अरे भैया पैसे ये फलाना बैंक के पैसे, इसके बैंक के पैसे, ये वाली गाली तो समय समय भाई। अब सुनो भाई यहाँ तो पैसे गिरावट कर दो, तो भाई भाई प्यार में ये लगा लो, आपसे विनती मान लो किसी मान लो कि इंस्टॉलमेंट में करा दूंगा 5 महीने आराम से 3,280 रुपए देते रहो, एक बार में दो मत क्या फायदा देगा, आराम से इधर खत्म हो जाएगा। और ऐसा कम भी होता है ना, जैसे 600 नहीं है तो आपने कर दिया 2,500 कर दिया, 2,300 कर दिया, 2,800 कर दिया, 2,000 कर दिया, यार तेरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, एंड में करा देना पूरे पैसे। वैसे जो पहली वाली बात थी वो हमें अच्छी लगी। हाँ बढ़िया बात, पहली वाली बात मेरे यार। एक बात बताओ बड़े भाई, आपसे दो बार उल्टा सीधा बोल के कोई मेरे जिम्मे बस आएगा? कोई मुझे लगे कि आप चोनू भाई ने वो उल्टा बोल के मेरे को नहीं बच जाएगी, क्या मजे है? इससे अच्छा ये अगली बार सोचते हो तो भाई राम राम तो कर देगा। ये तो है भाई, बताओ और क्या चाहिए सोनू भाई, यही तो काम है। अगर नौकरी करनी तो बताओ। नहीं पता है क्या, आप तो देखो 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से काफी है, तो वो उस बंदे को नहीं है जो पहले वाला था, उसको समझा यार। अरे बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती रहती है, अब बड़ों का काम ये थोड़ी है कि गलतियों को ऐसे ही है, हर किसी के लिए है, आपके लिए ठीक रही है तो किसी के लिए ठीक भी है। नहीं ऐसा है ना, मतलब हमारा देखो बड़ों का काम ये है बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं, एक बार डांटना जरूर। हां जी डांटेंगे, अभी फोन से बात करेंगे भाई, जो पता है कि अपने अपने एरिया में काम करने वाला बंदा है उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी ना भाई। ये तो है भाई, भाई यार मक्खन बहुत अच्छा लगाते हो तुम। मक्खन नहीं लगा रहा मैं पैसे मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा संदीप भाई क्या कर रहे हो तुम? संदीप भाई दिल से बोल रहे हो क्या? दिल से नहीं बोलता मैं, सच बता रहा हूँ दिल से नहीं दूंगा मैं, लेकिन वो ये कि नहीं मत दो, क्या फर्क पड़ रहा है? संदीप भाई जो आपने अभी बात बोली दिल से बोली है क्या? दिल से नहीं, मैं बात ऐसी करता हूँ अपने जो इंडस्ट्री का गुस्सा आता है मेरे पास, कोई भी आप कोई बंदा आता है ऐसे होता है क्या? ठीक है जी फिर हम अगर करना होगा तो कॉल बैक कर देगा, सिम कार्ड से मतलब आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है सिम कार्ड। हाँ ठीक है ठीक, कोई मैं फोन करूंगा आपको, आपके फोन वेट करूंगा, इसी नंबर पे कर रहा बोला दिनेश सर से बात कर रही करा देंगे। हाँ दिनेश भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो भाई ठीक है दिनेश भाई, आपका गुड डे।
गुड इवनिंग सर, कोटक महिंद्रा बैंक के व्यास से अमित कश्यप बात कर रहा हूँ। अपना कोटक की पेमेंट दे रहती है अरविंद जी, पेमेंट करा दीजिए अरविंद कुमार पांडे जी। अरे क्यों रहती है, रहने दीजिए। अभी पता है थोड़ी देर पहले क्या हुआ, थोड़ी देर पहले आपसे जो है ना एक अभी मैनेजर से बात हुई है, बड़ी मजेदार बात हुई है मैनेजर से। क्या बात हुई है? इंडसइंड के मैनेजर से हमने मांगा था 10%, वो कह रहे हैं सर एनपीए में आपको कोई नहीं देगा, 20% दे दूंगा मैं, 20% बहुत ही मजेदार बात हुई है। 20% में अमाउंट पे करोगे आप? इंडसइंड का मांग रहे थे उससे 10% मैनेजर साहब, तो उसने बोला 20 कर दूंगा सर आप, ऐसे तो मुझे पता है आप सब जानते हो आप मेरे मजे ले रहे हो, लेकिन मैं 20% में करवा दूंगा आपके लिए एनपीए में। मैंने कहा वाह मजा आ गया यार। कब कर रहे हो फिर पेमेंट? पेमेंट का 10% ही लेंगे, राइट ऑफ के बाद लेंगे, अब इंटरेस्ट के बाद। बीच में कौन देगा यार? कौन सी तारीख को करोगे? इंडसइंड का था वो, तो संडे को। इंडसइंड का था, इंडसइंड का अगले संडे। ऐसा मैं इंडसइंड बोल रहा हूँ, इंडसइंड, इंडसइंड, इंडसइंड का था वो। तुम्हारा कौन सा है? कोटक का जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है यार, कोटक वाला बोल रहा हूँ, अमेजोन से जो लिया था ऑनलाइन अपने। अरे उस पे तो आरटीबी मारो यार, उस पे इतनी चिंता का है? ठीक है बोलना यार, आरटीबी मारो तुम भी, बताने क्या बात की बात है यार। अपने भाई यार थोड़ा टेंशन हो, क्या हो गया मतलब ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है टीएल ने डांट दिया होगा, टीएल ऐसे ही करता है साला। क्या कर रहे हो, काम तो करना पड़ता है ना, काम थोड़ी ना करना पड़ता। क्या नाम था भाई? अमित कश्यप नाम है मेरा। अमित भाई मैं भी यही काम करता था ना रिकवरी का, मुझे पता है साला बहुत परेशान करता है टीएल, मुझे तो बहुत डांटता था यार। बाद में फिर क्या है ना, मैं टीएल बन गया तो मैं डांटने लगा, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं डांटता था, तो बिना फालतू को डांटते थे। अच्छा, और आपको एक बात बताओ, रियलिटी आपने वैसे कहीं ना कहीं देखा भी होगा, हमारे ऑफिस में एक बंदा था वो जो है ना सीधा साधा था, वो कुछ बोलता नहीं था यार। तो कहीं काम बताओ फिर यार, टीएल होता अब तो छोड़ दिया था, टीएल था मैं, मैंने ये बोला मैं हूँ नहीं था। सैलरी ले रहा था टीएल में क्या, अपनी 30,000 सैलरी थी, बाकी इंसेंटिव था जो भी था। इंसेंटिव क्या देते हैं, क्या था इंसेंटिव? क्या अपने पे जैसे कि 4 करोड़ की फाइल है, तो भाई टारगेट अगर मैंने 1 करोड़ निकाल के दे दिया तो मेरे को भाई मिलेगा अपना 10%, ऐसे करके होता था। कौन सा पोर्टफोलियो था? क्या कौन सा पोर्टफोलियो प्रोसेस का कौन सा था? पोर्टफोलियो तो अपना अपने पास था SBI का, बाकी हम राइट ऑफ तक कर देते। SBI का राइट ऑफ तक कर देते। अच्छा, राइट ऑफ, हाँ राइट ऑफ कर देते, बाकी बहुत मजा आता था। पता है क्या, चलो पहले तुम पूछ लो भाई, तुम्हारे डाउट क्लियर कर दो। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन सी एजेंसी में, कौन सी एजेंसी में थे आप? कभी सुना है KKB का नाम? KKB एसोसिएट। किसका? KKB एसोसिएट। हाँ वहाँ वहीं पे था। अच्छा, पहचान है वहाँ पे? हाँ पहचान। अच्छा उधर जानते हो KKB एसोसिएट को? किसको? हाँ नाम सुना है। अरे वाह यार, जान पहचान तो है, उसके हेड जो एजेंसी ओनर है ना उनसे बहुत जान पहचान है, कुणाल कुमार नाम। अरे यार तुम्हें एक काम करो, व्हाट्सएप नंबर है आपका? व्हाट्सएप नंबर? हाँ क्या हुआ, नौकरी चाहिएगा भाई? अरे कोई नहीं, तुम व्हाट्सएप पर भेजो यार, तुम्हें 4 का नंबर। किसका नंबर भेजना? हेलो, तो 4 का नंबर दो। मैं एजेंसी ओनर की बात कर रहा था। ओनर मतलब कोई नहीं, ओनर से बात कर लेंगे यार तुम। भाई साहब आपको आपको नहीं दे सकते, मुझे बता रिकवरी वाले को पता, रेड मार दिए। अरे यार तुमने के लिए यार, ऐसा कुछ नहीं यार जी, कंज्यूमर लोन कोटक से फाइनेंस करा ना आपने? हाँ इतना आपका आउटस्टैंडिंग बता दो, 13,230 रुपये। कल सेटल मारो ना, क्या दिक्कत है? सेटल करेंगे कोटक का जो है ना, आप देखो मैक्सिमम जो होता है ना वेबर 35 होता है, सॉरी वेबर कह रहा हूँ, सेटल 35 होता है मैक्सिमम, और वेबर होता है तुम्हारा 65। अभी अभी हमारे पास एक, अभी हमारे पास एक लेटेस्ट लेटर आया, आपने देखा नहीं होगा, 30.50 जो 30.5% का कोटक का भाई अभी अभी निकला है, कस्टमर का नाम है ऋतिका जैन। अरे बैंकर से बात करा देता हूँ, कर्म से रम्मा क्लोज करा देंगे यार, खत्म करो। नहीं रहने दो भाई, सेटल वेटल मत डालना, बैंकर से बात मत कराना, काफी देर लिख जाएगी। बैंकर से बात मत कराना, काफी देर खिंच जाएगी। ये बात बताओ यार, कम से कम एक तो कर दो यार, मैं रिकवरी में बना कुछ तो करा दो यार, थोड़ा बहुत तुम मनी कलेक्शन बढ़ जाएगा, 1,000 रुपये करा दो लोन नंबर पे। नहीं बड़े बढ़िया यार, मतलब क्या है ना, अपने नहीं मुझे पता आप नहीं भाई, लेकिन यार जो है ना अपने को DPD बनानी है, DPD घट जाएगी।
यार ऐसा करो यार मुझे। चलो यार जैसे आपकी मर्जी यार, हमारा काम तो बोलना है भाई। बताओ यार वैसे मैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया, व्हाट्सएप पे है क्या नहीं आपको व्हाट्सएप पे? हाँ ये लिखा ना आपने कुणाल कुमार, दी कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ यूट्यूब भी है तो भाई का यही तो है उधर, और अमित कुमार गुप्ता। हाँ नहीं इनका नाम अमित है वैसे, कुणाल यूट्यूब पे रखा था इन्होंने भाई। आपका नहीं है कौन वैसे, आपका फ्रेंड है ये तो एजेंसी ओनर है, एजेंसी ओनर यही है। हाँ यार आपने डीपी क्यों लगा रखी उसकी, ये तो रखो डीपी ये क्या है ना मतलब ऐसे दिल से लगा रखी, अच्छे भाई है ना बहुत। अच्छा जी ये लिखा उन्नति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कितने सब्सक्राइबर इनके? इनके भाई के 22,000। सही है यार, यूट्यूब से भी कमाई हो रही है, एजेंसी से भी हो रही है क्या, वो तो है यार। तुम्हारे छोटे भाई का भी कुछ भला हो जाए, देखते हैं भाई है? देखते हैं भाई, ठीक है भाई यार देखना भाई कहीं, ठीक है ओके 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 धन्यवाद। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।